अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चना कीमा कोफ्ता बना रहे हैं। ये देखो, ये घी है, घी से बनाएंगे, असली घी से बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। एक घी 2 चम्मच लेंगे। ये 8 कांदे को हमने चॉप करके इसको भून के तल के लिए तेल में फ्राई करके, और ये 3 लहसुन है और इतना अदरक है, इसको चॉप करके लिए है, और ये 1/2 पाव चना है, इसको रात को भिगाए थे, अभी नमक डाल के उबाल के लिए हैं। ये काबुली चना है, लाल वाला है, ये सफ़ेद चना नहीं, लाल वाला चना। वो ये पानी है ना, आपको जितना चाहिए उतना लो, हम इसमें से थोड़ा सा पानी लेंगे। और ये दही है, 200 ग्राम दही है ये लेंगे, और ये देखो, ये 6 टीस्पून ये टमाटर प्यूरी हमने बनाए थे ना, मैं किचन में देखो वो बनाए थे, वो लिए हैं, बना के रखे हुए हैं। ये कोथमीर, इसमें से कोथमीर डालेंगे, और ये 6 टीस्पून बेसन है, इसको भून के लेंगे। 1/2 किलो खीमा है, इसको धो के छान के, पानी छान के रखें, और ये 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, और ये 1/2 चम्मच हल्दी है, और ये 2 टीस्पून भर के ये धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, कुटा भुना जीरा है, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 चम्मच भर के नमक है, और ये तड़का देने के लिए, बघार देने के लिए 1/2 चम्मच जीरा है, और इसमें से कटी हुई मिर्ची 4 है, और 4 अक्खी है, अक्खीने डालेंगे, कटी हुई डालेंगे, और ये मस्का भी डालेंगे, ऊपर से डालेंगे मस्का, और ये पाव भी लेंगे, पाव पीसने के लेंगे। आपको अभी मसाला मिक्स करके बता रहे आपको, ये देखो, ये सब मसाले मिक्स करेंगे। अभी ये हम पूरा नमक डाल दिए, ये देखो, ये नमक डाल दिए, अभी ये मसाले देखें, सब मसाले हम बता चुके हैं, ये पूरे मिक्स कर देंगे। देखो, मतलब आपको ना एकदम समझाने में इजी पड़ेगा, समझने में इजी पड़ेगा। देखो, पूरे मिक्स मसाले की हैं, फिर बताते आप। अभी इसमें से ये देखो, ये देखो, ये मिर्ची भी मिक्स की है। अभी पूरे मसाले मिक्स हो गए, अभी बताते आप। ये देखो, 1/2 मसाला अलग से निकालेंगे ग्रेवी के लिए, और 1/2 मसाला कोफ्ते के लिए रखेंगे। आप देखो बराबर से, मतलब एकदम इजी पड़ेगा। ये देखो, ये मसाला है, इसमें से ये देखो, ये कोफ्ता बनाने के लिए लहसुन लिए, लहसुन अदरक है, आपको बताए कितना है वो। अभी इसको भी मिक्स करेंगे, अभी इसमें कीमा डालेंगे, ये देखो, कीमा डाल के कीमा भी मिक्स करेंगे, और बेसन भुने हैं, वो बेसन भी डालेंगे। ये देखो, आपको बता रहे, बेसन भुने हैं, बेसन भुने, अगर बेसन आपके पास नहीं है तो चना ले सकते, भुना हुआ चना बाजार में से लाने का, उसका छिलका निकालने का, बिना छिलके के भी ये आते हैं, वो लेने के चने, उसको पीसने का, उसका बेसन बना देंगे, उससे भी टेस्ट आता है, और ये भून के लेंगे ना बेसन, तो उसका भी टेस्ट आता, लेकिन सम्राट बेसन लेंगे इसमें से। अभी इसमें कोथमीर डालेंगे, और इसमें ये देखो, ये प्याज डालेंगे, ये प्याज डालें, अभी इसमें ये पाव डालेंगे, और इसको फेरा मार के लेंगे, हाँ, इसको मतलब मिक्सर में पीस के लेंगे कोफ्ता बनाने के लिए। देखो, 1 अंडा इसमें डाल रहे हैं, आपको बताए नहीं, लेकिन डाल रहे इसमें, क्योंकि सूखा सूखा हमने कीमा को एकदम धो के उसको छान के लिए ना, अभी इसको पीसेंगे। आपको अंडा डालना है डालो, नहीं डालना है मत। ये देखो,
पीस के लाए, एकदम फर्स्ट क्लास पीसा, पानी बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, इसमें एक अंडा डाले, एकदम फर्स्ट क्लास पीस के आया। देखो हमारे तरीके से बना, देखो कितना अच्छा हम बना रहे अलग तरीके से। चना भी हमने सफ़ेद नहीं लिए, लाल वाला चना लिए और मोटा मोटा चना लिए। इसका नाम चने का मेरे को नहीं आता, लेकिन इसका नाम भी कुछ बनिया नहीं बोला था चने का। अभी मिक्स हो गया, अभी इसके कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा तेल लगाएंगे हाथ को। ये देखो थोड़ा सा हाथ को तेल लगाए, अभी इसके कोफ्ते बना के आपको बता। ये देखो हमने पीस के लाए, आपको बता रहे हैं। देखो ऐसे कोफ्ते बनाने के, अच्छे ऐसे बड़े बड़े बनाने के, छोटे छोटे दिखने में नहीं आते। हाँ, बड़े बड़े अच्छे भी लगते, एक आदमी एक खाया ना तो बस है। ये देखो पाव किलो के कितने सारे कोफ्ते बन रहे। देखो पाव किलो कीमे के, और चर्बी वाला कीमा नहीं लेने का। हाँ, कीमा बोलने का ऐसा दो उसमें चर्बी नहीं रहे, नस नहीं रहे, ऐसा कीमा लेने का, एकदम फर्स्ट क्लास। अपने सामने बनाने बोलने का, गोश्त लेने का और अपने सामने बनाने बोलने का कीमा। ये देखो ऐसे कीमे के कोफ्ते बनाने, इसको फ्राई नहीं करने के, सालन के अंदर पकाएंगे। हाँ, ये देखो अभी ये थोड़ा सा घी इसके लिए डाल रहे हैं, चने में टेस्ट बढ़ने के। अभी चने को अच्छे से भून के लेंगे। ये देखो अभी ये घी में चने से अलग से भुनेंगे, उसके बाद मसाला भुनेंगे। चने को उतार के अच्छी खुशबू आने तक चने को भुनेंगे। चना भून के हो गया, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको निकाल रहे हैं, अभी बता रहे आपको। देखो अभी ये घी गरम हो गया, एक एक चम्मच भर के घी डाले। हाँ, अभी घी गरम हो गया, अभी जीरा डाले। देखो जीरा भी तर हो गया। अभी अदरक लहसुन डालेंगे, चॉप किए ला। हाँ, अदरक लहसुन पीसेला नहीं, इससे और टेस्ट बढ़ेगा इसका। आप बना के देखो, खाओ, फिर मुझे बताओ। अच्छा, इसको भूनने का, इसकी एक अदरक लहसुन की ये जाने तक भूनने का इसको अच्छे से। ये देखो अभी ये भून के हो गया, अभी इसमें ये टमाटर प्यूरी डालेंगे। आपको चाहिए पीस के ले लो, आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है तो पीस के ले लो, या तो काट के लेंगे तो इतना टेस्टी नहीं बनेगा, पीस के लेंगे तो अच्छा बनेगा। क्या अच्छी खुशबू आ रही फर्स्ट क्लास। ये देखो ये मसाला आपको बताए ना, पूरा मसाला बना के आधा उसमें डाले, आधा इसमें। ये मसाले में हरी मिर्ची भी है। यहाँ अभी इसको भी भुनेंगे और फिर इसमें दही डालेंगे। पीस के भी अच्छा लगेगा, चुरट के भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये देखो कांदे का फिरिस्ता बनाए ना, उसको एक तो चुरट के डालो या तो पीस के डालो। अभी इसको अच्छे से भुनेंगे। ये देखो एक कांदे को ऐसा पुस्कुर के डालेंगे। ये देखो ऐसा पूरा कांदा डालिए। देखो मसाला ऐसा भुन गया कि तेल ऊपर आ गया अच्छे से। ये देखो अभी इसमें बिस्मिल्लाह अर्रहमान, ये पानी डालेंगे। ऐसा पानी डालेंगे तो स्वाद अच्छा आता है। ये देखो ये पानी में ज़रा ये कांदा मसाला पिए करके लेंगे, उसके बाद चना डालेंगे। पहले चना नहीं डालेंगे, कोफ्ता पकाएंगे, उसके बाद लास्ट में चना डालेंगे, क्योंकि चने का उबाल के हो गया है, पक के हो गया चना। ये देखो चना हम बताते आपको, ये देखें कैसा चना बन गया फर्स्ट क्लास। 8 मिनट हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास मसाला पक के तैयार है। अभी इसके अंदर ये देखो आस्ते आस्ते ये कोफ्ते छोड़ेंगे। देखो बिस्मिल्लाह अर्रहमान, इसको फ्राई करके नहीं छोड़ने के, से कच्चे छोड़ने की, और ढाक के इसको 2 मिनट पकाने का, ऐसा उल्टा पलटा करने का। हाँ, फूटने नहीं देने का कोफ्ते को।
एकदम ज़्यादा नहीं हिलाने का इसको, ये देखो। अब कोफ्ते पक गए ना कि फिर उसके अंदर ये डालेंगे, अभी कम आँच पे पकेंगे। हाँ, ये चना अभी नहीं डालेंगे, अभी इसको ढक के कम आँच पे पकाएंगे, 5 मिनट 2 मिनट पकाएंगे, फिर बताएंगे। ये देखो, ये देखे अभी एक तरफ से हो गए ना कोफ्ते, थोड़ा हिलाने का इसको, तेज ऐसा नहीं हिलाने का, आस्ते से, ये देखे पलटी करने की थोड़ी, देखे अभी पलटी करे, अभी इसको वापस ढकने का 1 मिनट, ठीक है। 2 मिनट अपन ऐसे पकाए ना, अभी और 1 मिनट ढकने का, ये देखें कोफ्ते पक के तैयार है। अभी इसमें चना छोड़ेंगे, देखो जिधर कोफ्ता नहीं है ना उधर चना छोड़ेंगे, ये देखो। अभी हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे, कोथमीर डालेंगे और 1 मिनट पकाएंगे और फिर छोड़ेंगे, इसको बंद करेंगे, सब करेंगे, आपको बताएंगे डिश आउट करेंगे। कोफ्ते पक के तैयार है, अभी हम इसको सब करके आपको बता रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं।